माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 11th ऑनलाइन प्रोसेस में पहला पार्ट का फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस प्रोसेस में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपको पार्ट वन की फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरनी है, कैसे वो डिटेल्स भरनी है और उस फॉर्म को भरते समय आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखने हैं। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। फॉर्म आपको दिखाई देगा, अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करोगे, आप लॉगिन आईडी जब क्रिएट करोगे तो आपको इस तरीके का एक फॉर्म, तो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जब फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर, तब मैं आपको वहां पर फॉर्म फिलअप करके भी दूंगा। वहां पर देखिए क्या दिया है। सबसे पहले एप्लीकेंट स्कूल एरिया, यानी आप कहां पर, यानी आपका स्कूल कहां है, सिटी में है तो आप सिटी पर क्लिक करोगे। अगर आप गाँव में रहते हो यानी सिटी से दूर रहते हो तो आप आउटसाइड सिटी सिलेक्ट करोगे। और अगर आप महाराष्ट्र में ही नहीं हो, यानी अगर आपका स्कूल आउट ऑफ महाराष्ट्र था तो आप वहां पर ओएमएस सिलेक्ट करोगे, यानी आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। उसके बाद आपका एप्लीकेंट स्टेटस क्या होगा, फ्रेशर, रिपीटर और प्रीवियसली पास। फ्रेशर का मतलब है अगर आप पहली बार 10th का एग्जाम दे रहे हो, पहली बार, चाहे आपने रेगुलर स्कूल से दिया हो या एज अ प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे दिया हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपने पहली बार आपने 10th का एग्जाम दिया होगा तो आपको फ्रेशर सिलेक्ट करना है। अगर आपका एक से ज़्यादा, यानी अगर आपने एक बार आपने 10th का पेपर दिया था लेकिन आप फेल हो गए थे और आपने वापस से फॉर्म भरा है, तो वहाँ पर रिपीटर के ऊपर आप क्लिक करोगे। एंड थर्ड, आपने एग्जाम दिया था, आप पास भी हो गए थे लेकिन पास होने के बाद आप किसी वजह से FIGC में एडमिशन नहीं ले पाए, तो यहाँ पर प्रीवियसली पास पर टिक करोगे। ठीक है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो पहली बार एग्जाम दे रहे वो फ्रेशर पर क्लिक करेंगे और जो एक से ज़्यादा बार, मोर देन वन टाइम एग्जाम दिया होगा, वो रिपीटर की कैटेगरी में आएगा। और प्रीवियसली पास मतलब पिछले साल पास हो गया था या उससे पहले पास हो गया था लेकिन वो किसी वजह से FIGC में एडमिशन नहीं ले पाया। उसके बाद आप 10th स्टैंडर्ड पर कौन से इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड में थे। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड की बात करो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप CBSE से थे तो CBSE, ICSE, इंटरनेशनल बोर्ड, IGCSE बोर्ड, NIOS और किसी और बोर्ड से, तो वो उसका नाम वहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद जब एनी अदर बोर्ड पर आप क्लिक करोगे तो नीचे एक और टैब खुलेगा जहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी आपको वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा आप कौन से बोर्ड से हो। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अगर आप सीट नंबर की बात करो तो आपका सीट नंबर यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा 6 डिजिट का। तो यहाँ पर आप जैसे पुट करोगे ना, तो ये पुट करने के बाद आपसे रिलेटेड जो पर्सनल डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं फिट अप हो जाएगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट से कनेक्टेड है। तो आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपने सीट नंबर इस्तेमाल किया था उससे वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। तो भी इसमें क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से थे। यहाँ पर नॉर्मली आप क्या सिलेक्ट करोगे, मार्च सिलेक्ट करते हो। ठीक है, नॉर्मली अगर आप रिपीटर के स्टूडेंट हो तो या तो आपने अगर पिछले साल एग्जाम दिया होगा, पिछले जुलाई में दिया तो जुलाई, और अगर आपने अक्टूबर, तो ये मार्कशीट में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कहीं ना कहीं। उसके बाद कौन से ईयर में एडमिशन लिया था, तो 2020 आएगा। अगर आप इसके पहले पास हो गए तो 2019 लिखोगे। फिर नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज अपरिंग द 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट एडमिट कार्ड। उसके बाद आपका हॉल टिकट के हिसाब से जो नेम होगा, हॉल टिकट पर आपने जो नाम लिखा रहेगा वही नेम यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एंटर करोगे। उसके बाद आपके स्कूल की डिटेल्स यहाँ पर फैच हो गए, ऑटोमेटिक मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच हो जाएगा। फिर आप हॉल टिकट देखोगे, यानी ये डिटेल भरने के टाइम पे आप क्या लेकर बैठोगे, अपनी हॉल टिकट लेकर बैठोगे। ठीक है, हॉल टिकट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। स्कूल के हॉल टिकट के कोने में आप देखना स्कूल इंडेक्स नंबर करके एक कॉलम होगा, वो इंडेक्स नंबर का डिटेल आपको यहाँ पर फिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यूटिलाइज नंबर ऑफ द स्कूल, वहाँ पर हॉल टिकट में यूटिलाइज नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर वो आप लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इस तरीके से, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास कैलेंडर खुलेगा। तो कैलेंडर के टॉप पे ईयर होता है, तो आपको पहले ईयर सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ और अपने मैनुअली आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, क्या एंटर करना है, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी डिटेल, यानी अगर आपकी रिजर्वेशंस है, अगर आप किसी कैटेगरी से डीबे SC को SC ST या किसी भी तरीके के कैटेगरी से जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, SC, ST,
ओबीसी ऐसे बहुत सारे केसेस, अगर आपके आपका कैटेगरी कुछ भी नहीं है तो आप ओपन या जनरल पर क्लिक कर सकते हो। इसे याद रखना, अगर आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर आपका एससी है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इनवैलिड है, तो इसकी जगह पर आपको ओपन ही भरना पड़ेगा। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी या किसी भी कोटे से आप बिलोंग करते हो तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट सिर्फ महाराष्ट्र का होना चाहिए। अंडरस्टूड? इसके बाद देखेंगे तो एप्लीकेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके बाद आपको यहाँ पर आपके एड्रेस फिटअप करनी है, आपका यहाँ पर जो भी पिन नंबर होगा वहाँ पर आ जाएगा, स्टेट आपका महाराष्ट्र या अदर देन महाराष्ट्र होगा तो वो भी आप डाल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, उसके हिसाब से तालुका एंड सिटी, ये नॉर्मली आपको डिटेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका आधार कार्ड, यानी अभी तक आपको समझ में दो चीज़ें आ गई, यहाँ पर आपको हॉल टिकट भी लेकर बैठना है और आपका आधार कार्ड भी लेकर बैठना, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर कंपलसरी देना है। अच्छा, एक से ज़्यादा अगर नंबर है तो आप यहाँ पर फिडअप कर सकते हो, लैंडलाइन नंबर तो दीजिए, ईमेल यानी मेरा सजेशन ये रहेगा एटलीस्ट आपके पास घर में दो मोबाइल फ़ोन होगा और ईमेल आईडी कंपलसरी आप दीजिए। लैंडलाइन नंबर नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सजेशन ये है कि मोबाइल नंबर एक और दो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कीजिए, ईमेल, क्योंकि आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन आपको कम्युनिकेशन जो भी होगा बोर्ड की तरफ से वो नोटिफिकेशन के द्वारा होगा, चाहे वो ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप जाओगे तो एप्लीकेंट्स अदर स्पेशल रिजर्वेशन, यानी अगर आप किसी स्पेशल रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो आपको ये डिटेल्स आएगी। कैसे? पहला दिया, डज एप्लीकेंट्स पेरेंट्स बिलोंग टू सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन, यानी अगर आपके पप्पा या आपके मम्मी दोनों में से कोई एक किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे तो आपको वहाँ पर सर्टिफाइड करना है, अगर थे तो आपको यस करना है, नहीं थे तो आपको नो करना है। सिंपल, अगर है सर्विसमैन अभी भी है या उनका रिटायरमेंट हो चुका तो कुछ भी दोनों केसेस चलेगा, अगर वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर थोड़ी सी रियायत मिल सकती है। सेकेंड, हैज एप्लीकेंट पेरेंट हैज बीन ट्रांसफर टू ऑनलाइन एडमिशन एरिया, क्या आपके पेरेंट्स आपके ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपके पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए हैं, अगर हाँ तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है तो हाँ ना तो ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में सब ना ही रहता है। वेदर एप्लीकेंट ग्रैंड पेरेंट फ्रीडम फाइटर, यानी जो आपके दादा थे या दादी दादा दादी में से कोई भी अगर फ्रीडम फाइटर की लड़ाई में था तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, तो लेकिन उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद दस एप्लीकेंट बिलोंग टू हैंडीकैप, आप किसी तरीके से दिव्यांग तो नहीं, यानी आप डिजेबिलिटी से तो नहीं जूझ रहे हो, तो अगर आपकी डिजेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट आपको कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डीन, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके आपको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तो यस और नो, अगर नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ जाइए। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी, यानी आप अगर स्पोर्ट्स का कोटा के अंदर आते हो तो आपको यस और नो में टिक करना है, अगर यस में है तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक प्रोजेक्ट एरिया, यानी आप जिस एरिया में बिलोंग करते हो वहाँ पर कभी भूकंप वगैरह से रिलेटेड एरिया तो नहीं था, हाँ तो हाँ ना तो ना। सर्टिफिकेट इशूड बाय कलेक्टर, वो तो कलेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर आ जाएगा। इफ़ यू आर फॉर फेलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फेन, यानी आप अनाथ की कैटेगरी में आते हो तो आपको 1% कैटेगरी कोटा आपको दिया जाता है, तो ऑर्फेन है तो यस करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे, सीधी बात। तो अगर ऑर्फेन के बच्चे हो तो आपके मम्मी डैडी दोनों में से अगर किसी दोनों की डेथ हो चुकी है तो आपको वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वरना ऑर्फेनेज से आपको ऑर्फेनेज सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। अब बात करते हैं बाइफोकल पर, तो बाइफोकल एडमिशन्स के लिए अगर आप बाइफोकल में एडमिशन लेना चाहते हो तो बाइफोकल और जनरल का क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए मैं अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि बाइफोकल और जनरल में क्या डिफरेंस है। तो आपको यस और नो क्लिक करना है, सिंपल है। अब यहाँ पर अगर आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स थे एसएससी में इलेक्ट्रॉनिक जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स थे तो यस कीजिए वरना नो कीजिए। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट में यहाँ पर जस्ट आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सेव करना है। यहाँ पर अगर आपने डिटेल प्रॉपर भरा है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, सेव करोगे, तो यहाँ पर आपका पार्ट वन फॉर्म ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पार्ट वन का फॉर्म भरना
पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए फ्यूचर में भी लेकर आता रहूँगा। और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, और आपको डिटेल्स भरते समय थोड़ा सा सब्र के साथ भरना है, ताकि आपके साथ कोई करेक्शन ना हो। अगर करेक्शन होगा तो आपकी दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। करेक्शन अगर होता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे वो एकदम कॉशियस की तरह साथ भरेंगे, और जैसे ही लिंक ओपन हो जाएगा मैं आपको तुरंत फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।